नमस्कार, स्वागत है आपका भोलेनाथ कृपा चैनल में। मैं भगवान शिव से यह प्रार्थना करूंगी कि अपने सभी शिव भक्तों पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखें। कल सावन का तीसरा सोमवार रहेगा। कल यानी 24 जुलाई को सावन का तीसरा सोमवार है। अगर आज मान्यताओं के अनुसार सावन का पवित्र महीना भगवान महादेव को अति प्रिय होता है। सावन के महीने सोमवार के व्रत से करोड़ों भक्तों की आस्था जुड़ी होती है। देवों के महादेव को प्रसन्न करने के लिए सावन का महीना अति उत्तम माना जाता है। इस माह में विधि पूर्वक शिव जी की आराधना करने से व्यक्ति को शुभ फल प्राप्त होते हैं। कहा जाता है कि सावन के इस महीनों में कष्टों से मुक्ति मिलती है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस बार शिव जी की विशेष कृपा हुई है। इस बार सावन 2 महीने का होने वाला है, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि शिवलिंग से किसी भी सोमवार के दिन, किसी भी सावन के सोमवार के दिन शिवलिंग से आप यह चीज़ें उठा लाएं। इससे आपकी जीवन की समस्त कठिनाइयां दूर हो जाएंगी। जैसे अगर किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है, कोई बहुत कर्ज में डूबा हुआ है, किसी के कन्या का विवाह नहीं हो रहा है, किसी के घर में बहुत ही लक्ष्मी जी की कृपा नहीं बन रही है, बहुत ही आर्थिक तंगी है, तो मैं आपको आज जो उपाय बताने वाली हूँ उसे करके आप अपने जीवन में भी उजाला ला सकते हैं। आप अपने जीवन में जितनी भी कठिनाइयाँ हैं उनका आप निपटारा कर सकते हैं। मैं भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगी कि अपने सभी शिव भक्तों पर अपनी विशेष कृपा बनाए तथा यह सावन का महीना उनके लिए बड़ा ही मंगलकारी और पावन हो। सावन का महीना शिव जी को समर्पित होता है। कहा जाता है कि इस महीने में जो विधि पूर्वक सच्चे दिल से शिव जी की पूजा करता है, शिव जी उस पर अपना विशेष कृपा बनाते हैं, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। अतः आप इस सावन के महीने में बहुत ही दिल लगा के शिव भक्ति कीजिए, शिव परिवार को स्थापित कीजिए, शिव परिवार की बहुत ही मन से पूजा कीजिए। आप सब जानते हैं कि शिव जी को देवों के देव महादेव कहते हैं। अगर शिव जी की कृपा अपने भक्तों पर बन जाए तो उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि शिव पुराण में वर्णित एक गुप्त उपाय के बारे में। शिव पुराण में यह बताया गया है कि अगर सावन के किसी भी सोमवार के दिन हम कोई भी यह गुप्त चीज़ें शिवलिंग से उठाकर अपने घर में स्थापित कर लें तो हमारे जीवन में क्या क्या शुभ परिणाम होगा। उपाय शुरू करने से पहले दोस्तों, मेरा यह आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ताकि आने वाले समय में मैं और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए ला सकूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सावन के महीने में सारे शिव भक्त अपने शिव जी को प्रसन्न करने में लगे हैं, शिव जी की भक्ति में लीन हैं। तो आइए मैं आपको यह उपाय बताती हूँ। अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आप बहुत दिनों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और हमेशा आपको निराशा हाथ लगती है, तो उसके लिए आपको एक शीशे की कांच की बोतल लेनी है या डब्बे लेनी है, उसमें आपको काली मिर्च भर देना है। फिर आप एक लोटा जल लें, उसमें गंगा जल डालें। या गंगा जल मार्केट में आराम से बहुत ही सस्ते में मिल जाता है, उसमें आप गंगा जल डालें। फिर किसी शिव मंदिर जाएं सोमवार के दिन और उस जल से आप शिवलिंग को स्नान कराइए और जो आपने शीशे में काली मिर्च भरी थी उसको शिवलिंग से स्पर्श कराइए। फिर उसके बाद बहुत ही प्रेम पूर्वक शिव जी से प्रार्थना कीजिए और वह शीशी आप अपने घर में लाकर रख दीजिए। आप उस काली मिर्च के शीशी को पूजा घर में स्थापित कर लीजिए। अगर आपको किसी दिन नौकरी के लिए जाना है, इंटरव्यू के लिए जाना है या कोई परीक्षा लिखने जाना है, तो उसमें से एक काली मिर्च निकालिएगा और उसे अपने जेब में रख लीजिएगा। जब आप किसी नौकरी से संबंधित किसी कार्य के लिए जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो परीक्षा होगा या जो इंटरव्यू होगा वो बहुत ही अच्छा हुआ है और इसका आपको कुछ ही महीनों में सकारात्मक परिणाम दिखने लगेगा। आपके जीवन में नौकरी से संबंधित जितनी भी बाधाएं आ रही थी वह सब ये काली मिर्च सोख लेगी। दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन है कि आप इन उपायों को ऐसे वैसे ना समझिएगा। इन उपायों का वर्णन शिव पुराण के अध्याय 54 में किया गया है। यह बहुत ही महा उपाय है।
दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया करके ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ताकि मेरे चैनल को आपका सपोर्ट की बहुत जरूरत है। आगे देखिए दोस्तों, दूसरा उपाय मैं आपको बताती हूँ। आपको अगर आपके घर में शिव प्रतिमा नहीं है, शिव परिवार की मूर्ति या प्रतिमा स्थापित नहीं है, तो यह सावन का महीना आपके लिए बहुत ही मंगलकारी होने वाला है। इस सावन के महीने में किसी भी सोमवार के दिन अगर वह प्रदोष उस दिन प्रदोष पड़े या मास शिवरात्रि पड़े या अष्टमी तिथि पड़े, तो आप बाजार से शिव प्रतिमा, शिव परिवार की प्रतिमा लाकर अपने घर में स्थापित कीजिए। इससे समस्त शिव परिवार का, प्रभु शिव भोलेनाथ का, पार्वती माता का आपके ऊपर विशेष अनुकंपा बनेगी। आपके जीवन की सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। आपके घर में हमेशा सकारात्मक माहौल रहेगा। आपको बहुत ही अच्छा महसूस होने लगेगा। आपको समस्त शिव परिवार का सावन के महीना में विधिवत पूजा करना चाहिए, ताकि समस्त शिव परिवार की विशेष कृपा आपके परिवार पर बने। दोस्तों, तीसरा उपाय रुद्राक्ष से संबंधित है। आप सभी जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ को रुद्राक्ष कितना प्रिय है। इसके लिए आपको क्या कर एक रुद्राक्ष की माला बाजार से लाना है। फिर सावन के किसी भी सोमवार के दिन आपको मंदिर जाना है। शिवलिंग पे वह आपको सबसे पहले एक लोटे में दूध चढ़ाना है। फिर आपको वह रुद्राक्ष की माला शिवलिंग पर अर्पण करना है। फिर उसके थोड़ी देर बाद आपको वह रुद्राक्ष की माला अपने साथ घर ले आना। घर लाने के बाद आपको वह रुद्राक्ष की माला धारण कर लेना है। ऐसा करने से शिव जी की विशेष कृपा, विशेष अनुकंपा आपके जीवन में हमेशा बनी रहेगी। शायद यह बात आपको नहीं पता है कि जब भगवान भोलेनाथ के आंसू धरती पर गिरे थे, तो उसी समय रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ था। तो आप समझिए, अगर आप एक रुद्राक्ष की माला धारण कर लेते हैं या आप अपने मंदिर में उसे स्थापित कर लेते हैं और प्रत्येक सोमवार को उस रुद्राक्ष की आप विधिवत पूजा करते हैं, तो समस्त शिव परिवार का और भोलेनाथ का, आप पे ही नहीं आपके पूरे परिवार पर विशेष कृपा बनेगा। दोस्तों, मान लीजिए अगर कि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी है, आपने कोई कर्जा लिया था और उसके बोझ के तले आप डूबे चले जा रहे हैं, तो आपको डमरू से जुड़ा हुआ एक विशेष उपाय करना चाहिए। सावन के किसी भी सोमवार के दिन आप एक डमरू ले आइए बाजार से। उसको आप शिव मंदिर में ले जाइए। पर डमरू शिव लिंग पे चढ़ाने से पहले सबसे पहले आपको एक लोटा जल शिवलिंग पे अर्पित करना है। उसके बाद वह डमरू आपको वहाँ चढ़ा देना है। फिर आपको शिव जी से आशीर्वाद लेना है और वह डमरू आप अपने घर के मंदिर में लाके उसको स्थापित कर दीजिए। आपको एक छोटा सा काम करना होगा। आपको प्रत्येक सोमवार को उस डमरू को थोड़ा धूप दिखाना होगा। ऐसा करने से भगवान शिव की आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर विशेष कृपा बनी रहेगी।